आस्था और आराधना क्या चीज होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। फरसगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत आलोर, जहां पर लिंगेश्वरी माता विराजमान है, जो कि यह माता का मंदिर है और यह साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी सिर्फ 12 घंटा के लिए। ये जो आपके पीछे जो मंदिर है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? मन्नतपूर्ण के लिए है सर। हाँ सर, तो ये क्या रोज खुलता है? रोज नहीं खुलता है, साल में एक बार खुलता है सर। तो आप इस मंदिर के पुजारी हैं? जी सर, पुजारी। तो आप कब से पूजा करते आ रहे हैं? पूजा तो मेरा दादी भी किया है, माँ बाप भी किया, तो मैं अभी कर रहा हूँ। मंदिर अंदर में है या ऊपर में? मंदिर अंदर में नहीं है, मंदिर अंदर है। हाँ, उसका शिवलिंग है। शिवलिंग, तो लिंगो और लिंगेश्वरी में क्या अंतर होगा, कुछ बताएंगे कि दोनों एक ही? नहीं, इसका लिंग पड़ गया तो लिंगेश्वरी हो गया। तो गोंडी या फिर हल्बी में लिंगो मतलब शंकर भगवान को पूजा जाता है। हाँ, हाँ। तो ये लिंगेश्वरी का क्या तात्पर्य होगा? लिंगेश्वरी का माता, माता ही की होता है। पहले नियम था ऐसे, बाकी वो 10-11 बजे खुल रहा था, बाकी वही 5-6 बजे बंद कर रहे थे। अभी भीड़ देख के 6 बजे से खोल के 9-10 बजे रहता है। यहाँ से तो भक्त कहीं से नहीं आता है, मन्नत मांगने आते हैं बाल बच्चा के लिए, कहीं नौकरी के लिए, कोई पढ़ने लिखने, कोई अपना परेशानी, घर का परेशानी, कहीं धंधा दवालात के लिए, दूर दूर से कलकत्ता, हावड़ा, वो कई प्रकार के। एक ये भी सुनाई में आया, जैसे यहाँ निसंतान लोग संतान की मन्नत के लिए आते हैं, तो वो क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं यहाँ पे? प्रसाद के रूप में कीरा, खीरा को किस ढंग से प्रसाद देते हैं? कीरा को दो मतलब नकुल से पाड़ा जाता है सर। हाँ, उसके बाद नकुल से पाड़ा जाता है, दोनों पुरुष खा सकते हैं। हाँ, पति पत्नी जी। तो उसके बाद संतान प्राप्ति होती है? होती है। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।